शिक्षक व शिक्षार्थी कर्तव्य एवं दायित्व का निर्माण करने के साथ पुरातन भारतीय संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण करें। वेंकट जीवाणा उप तहसील मुख्यालय पर श्री चमत्कारी माँ बायोसा मंदिर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला शैक्षिक सम्मेलन के बौद्धिक सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षक राष्ट्रवादी विचारों के संप्रेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार से जोड़ने की बात कही। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सायला उपखंड अधिकारी तारासन वेंकट ने शिक्षकों के शैक्षणिक दायित्व के निर्वाहन के साथ समाज एवं राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। उन्होंने अपने उद्बोधन में शिक्षकों को शिक्षा शिक्षार्थी एवं सामाजिक में कर्तव्य एवं दायित्व का निर्माण करने के साथ पुरातन भारतीय संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण की बात कही। प्रांतीय पर्यवेक्षक रूपाराम लिया ने अपने उद्बोधन में संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने के साथ 11 सूत्रीय मांग पत्र के बारे में बताया। शैक्षिक सम्मेलन में जिला अध्यक्ष शैतान सिंह राजपुरोहित, शिक्षक मंत्री मीनाक्षी तंवर, जिला संगठन मंत्री दीप सिंह देवल, सम्मेलन संयोजक हीर सिंह राठौड़, सह संयोजक श्री राम शर्मा, सभा अध्यक्ष पुरखाराम चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुलाब भाटी, मीडिया प्रभारी अंबिका प्रसाद तिवारी ने भी विचार व्यक्त किए। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी भवलाल परमार ने शिक्षण में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने की बात कही। इस अवसर पर अधिवेशन के भामाशाह सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं सर्वाधिक सदस्य वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में जीवाणा सरपंच उत्तम सिंह दवेसा, राम सिंह दवेसा, जीतू सोनी, जेठू सिंह, मूल सिंह, गजराज सिंह शेखावत, गणपत सिंह दांदल, वीरमाराम जाट, प्रधानाचार्य विक्रम सिंह चारण, निम्बाराम चौधरी, प्रभुराम चौधरी, विक्रम सिंह सिराणा, अर्जुन भारती, रमेश राजपुरोहित, करनाराम चौधरी, निशा, गुमान सिंह शेखावत, श्यामवीर सिंह, तेजाराम देवासी, भिखाराम देवासी, प्रमोद भारती सहित जिला उपशाखा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकार नरपत सिंह सिराणा, जीतू सोनी, नारायण भारती, बाबू सिंह राजपुरोहित सहित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। एमसीसी आचार संहिता का पालन करते हुए एक गरिमापूर्ण संसदीय तरीके से, क्योंकि आपका जो वैसे भी संगठन जो अनुशासन के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय जो शिक्षक संघ है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस पूरी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस जो सम्मेलन है इसको भव्य और ऐतिहासिक बनाएंगे। अब मैं मेरे इस जो उद्बोधन का जो समय दिया और शिक्षा के बारे में कुछ चंद बातें दी, उसको आपको अवगत करवाना चाहूँगा, आपको जागृत करवाना चाहूँगा, आपसे आह्वान करूँगा, आपसे अपील करूँगा कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं और हमें कहाँ होना था। ये चीज़ें आप अगर इस पर गौर करोगे, बहुत सारे लोग 70 और 80 के दशक के लोग बैठे हैं मेरे सामने, मैक्सिमम लोग 70 और 80 के दशक में हैं, जो किसी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, जिनका जन्म किसी गाय में करवाया है या कोई हॉस्टलों में रहे हुए हैं, कोई कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हुए नहीं है, तो वो यहाँ की स्थिति को बेहतरीन जानते हैं। और इस गुरु पद की, इस शिक्षक पद की गरिमा हम कहाँ तक बना के रखा है या कहाँ तक नहीं रखा है, इस चीजों की अपन समीक्षा करेंगे। आज भारत को आजाद हुए इतने वर्षों हो गए, क्या हम सही मायने में साक्षर हो पाए हैं? अगर साक्षर नहीं हो पाए हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर भारत सरकार ने और सरकारों ने इतने योजना साक्षरता के लिए चला दी, साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत साक्षरता, सर्वशिक्षा, लोक जोगी, आंगनवाड़ी, न जाने कितने भी कितने चलाने के बाद भी कम हुए, हमारा जो साक्षरता का परसेंटेज है वो कितना है? और साक्षर होना कोई सफलता की निशानी नहीं है। अगर साक्षर होना या पढ़ना सफलता की निशानी होती तो चौथी बात धीरू भाई अम्बानी इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाते। अगर नेताओं के या राजनेताओं के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अगर जो अन्ना ने आंदोलन चलाया आपके पास आंदोलन थे, जो राजनीतिक चेतना अन्ना ने जागृत
की, तो इसका ये तो है कि साक्षरता से सफलता का कोई संबंध नहीं है। अगर साक्षरता से सफलता का संबंध होता तो एक उद्योगपति और दूसरा जनता का इतना बड़ा अग्रदूत नहीं बनता। अगर साक्षरता से संबंध होता तो मीरा ने या हस्तान ने या जो पद लिखे उस पद पर आपको एक पीएचडी की डिग्री दी जाती है। मीरा बहुत कम पढ़ी लिखी, उसकी एक लाइन पे आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है। ये आपके लिए हमारे लिए सोचने विषय है कि जो कालिदास ने रघुवंशम कुमार संभव मेघदूत लिखी उसके एक श्लोक पर एक श्लोक के किताब पे नहीं एक श्लोक में आपको पीएचडी की डिग्री दी जाए। अगर पूरे आपके जीवन काल में 60 साल में जो आप वेतन आहरण करते हो या मैं वेतन आहरण करता हूं, अगर उस वेतन के आधार पर अगर हमारा आंकलन कर दिया जाए सही मायने में, तो क्या कोई ऐसा शिक्षक बता पा रहा है कि आधुनिक भारत में मैंने एक अम्बेडकर को पैदा कर दिया, मैंने एक राम को पैदा कर दिया, मैंने एक गांधी को पैदा कर दिया, मैंने एक सुभाष को पैदा कर दिया, मैंने सरदार वल्लभ भाई, क्या ऐसा हो पाया है हमसे? क्या सिस्टम में ऐसी कमी है जिससे कि गांधी अम्बेडकर अगर एक भी हम पैदा कर पाते तो हमारा पढ़ाने का और पढ़ने का उद्देश्य पूरा होता। समाज आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है? समाज यही तो अपेक्षा कर रहा है। मगर आज गुरुजनों पे उल्टा सिस्टम हो गया। राम को पढ़ने के लिए विश्वामित्र के आश्रम में वशिष्ठ के आश्रम में जाना पड़ा, कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन संदीपन के आश्रम में जाना पड़ा, और आज के अध्यापक को स्टूडेंट के घर ट्यूशन करवाने जाना पड़ रहा है। तो क्या परंपरा बदल गई? क्या हो रहा है? क्या हम एजुकेशन में फेल है या फिर अब अपनाते हैं मूल बिंदु पे? ये सब चीजें है क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम ने अच्छा काम नहीं किया तो उसके पैरेलल एक दूसरा सिस्टम खड़ा हो गया। चिकित्सा विज्ञान ने सही काम नहीं किया तो प्राइवेटाइजेशन का एक पूरे चिकित्सा का सिस्टम खड़ा हो गया। पीएचडी ने पानी देने का काम अगर अच्छा नहीं किया तो सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। सड़कें जब हमने अच्छी बनाना पीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी ने काम नहीं किया तो पीपीपी बोर्ड भी आ गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब सही काम करना शुरू नहीं किया तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। ये सिस्टम जब पैरोटी सिस्टम खड़ा किसने किया? हमने किया, व्यवस्थाओं ने किया। जहां जहां कहीं भी अगर हम जो हमारे को दायित्व दिए गए थे वहां असफल है, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो गया। आपके जो जितने लोग बैठे हो, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इसमें 50% जो टीचर है अध्यापक है इनके इनके बेटे कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई एलन में पढ़ रहा है, कोई रिजोलेंस में पढ़ रहा है, कोई आकाश में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी खुद की शिक्षा पद्धति पे विश्वास नहीं है। ये तल्ख एक सटीक सत्य है। अगर किसी क्रिकेटर की अंगुली में अगर कोई चोट लग जाती है तो वो लंदन और ब्रिटेन जाकर इलाज करवाते हैं, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति के कुछ 20 डॉक्टरों में से 15 डॉक्टर इंडियंस है, मगर उनको हमारी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास नहीं है। और ये विश्वास जगाने का काम है वो आप कर सकते हो। ये सोचिए, क्योंकि अगर ये पंडाल अभी गिर जाए और इसमें 200 लोग मर जाएंगे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, मर जाएंगे 144 करोड़ में। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो 100-200 लोगों को यमराज पहुंचा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर एक गुरुजन अगर एक शिक्षक अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो वो समाज के 3 से 4 पीढ़ियों को पीछे ले जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही सटीक बात है।